बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा है। मैं डिप्टी कमिश्नर गुजरात हूँ। मैं गुजरात की आवाम से आज एक अपील करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कल नए ऑर्डर्स जो जारी किए हैं उसमें नई डायरेक्शंस आई हैं। कोविड की सिचुएशन जो है वो बदतर होती जा रही है और नई डायरेक्शंस की रूह से सिवाय मेडिकल स्टोर्स के और पेट्रोल पम्प के कोई चीज़ शाम 6 बजे के बाद नहीं खुलेगी। उसके लिए हमने अपनी टीम्स तश्कील दे दी हैं। उसमें पुलिस जो है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये मिल के शाम को चेक करेगी और जो लोग इन इंस्ट्रक्शंस की वायलेशन करते हुए पाए गए या वो लोग जो पब्लिक प्लेसेस पे बगैर मास्क के फिर रहे हैं उनके खिलाफ़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक FIR दर्ज करवाई जाएंगी, उनको जुर्माना किया जाएगा। क्योंकि कोविड की जिस तरह की सिचुएशन बिगड़ रही है उसमें जब तक आवाम हमारे साथ तआवुन नहीं करेगी उस वक्त तक हम इस बीमारी को शिकस्त नहीं दे सकते और इस पॉजिटिविटी की जो रेशो बढ़ रही है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप ज़िले इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ तआवुन करें ताकि हम इस बीमारी पे काबू पा सकें। एक और वजाहत भी मैं कर दूं कि जितनी इसमें बेकरीज हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, टी शॉप्स हैं, सिगरेट वाली दुकानें हैं, जितने खोखा जात हैं, खाने पीने की सब अशिया, ये सारी बंद हो जाएंगी। शाम 6 बजे के बाद कोई एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी बल्कि पूरे पंजाब में नहीं हुई। ये नई गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आई हैं और उसको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। हर लम्हा हर खबर शान से।